हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं बहुत दिनों के बाद आज फिर से वीडियो अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है, ये वीडियो में बताऊंगा कि लड़के किस उम्र में ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और क्यों होते हैं और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, यही सब मैं बताऊँगा फ्रेंड्स। तो वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। और अभी तक हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में बताऊंगा कि लड़के क्यों नर्वस हो जाते हैं। 14-15 साल में जो लड़के चंचलित होते हैं, वो चंचल मन उनका कहाँ खो जाता है। और उनको 14-15 साल में जब कॉन्फिडेंस वगैरह जब बहुत ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स लड़के का, तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाता है और लड़के क्यों खो देते हैं, उसको कैसे वापस ला सकते हैं फ्रेंड्स, इस सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लड़के क्यों अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, नर्वस क्यों होते हैं, और उनका जो 14-15 साल में चंचलित मन रहता है उसको वो कहाँ जाता है फ्रेंड्स, यही सब मैं बताऊँगा। तो फ्रेंड्स 14-15 साल में लड़के क्यों अपना जो चंचल मन होता है वो क्यों खो देते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण है फ्रेंड्स, अगर आप 14-15 साल के हैं और ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और उसमें अगर गलत चीज़ देखते हैं फ्रेंड्स, तो आप सबसे पहले अगर आपका उम्र कम है, अगर आप 18 साल से नीचे हैं, आपका उम्र 18 साल से नीचे है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए फ्रेंड्स। मैं कहना चाहता था कि आप अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और आप 14-15 साल के हैं, तो फ्रेंड्स आप इस तरह से मोबाइल फ़ोन को यूज़ करिए ताकि जो उसमें कुछ जो गलत चीज़ें हैं फ्रेंड्स वो आपके मोबाइल में ना आ पाए। और मोबाइल में इस तरह के ऑप्शन होता है, सेटिंग होता है फ्रेंड्स, उसको आपको ऑन करना पड़ेगा ताकि आपका जो एनर्जी भरा मन रहता है और ऊर्जा आपके शरीर में जो रहता है फ्रेंड्स, उसको आप जो कॉन्फिडेंस बना रहता है फ्रेंड्स उसको आप बनाए रख सकते हैं और उसको खो नहीं सकते हैं। और आपको खोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जब कॉन्फिडेंस किसी बंदे का कॉन्फिडेंस अगर लो हो जाता है और कहीं पे जाके वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते फ्रेंड्स, कुछ दिखा नहीं पाते लोगों को और दर्शकों को, तो फ्रेंड्स वो बहुत ही नर्वस फील करते हैं। और वो इस तरह से फील करते हैं कि जैसे वो कुछ कर नहीं पाएंगे, इस तरह से उनका मन में एहसास इस तरह से महसूस कर सकते हैं, बोल लड़के करते हैं। तो ये क्यों होता है मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। ये सबसे पहले मैं थोड़ा पहले आपको बता चुका हूँ कि आप अगर गलत चीज़ अगर देखते हैं फ्रेंड्स, तो आपका सबसे पहले आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा इसका। और आप गलत प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ गया तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल आपका जो ज़िंदगी है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसको ठीक करने के लिए बहुत मेहनत से इसको ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, आपका अगर गलत चीज़ देखते हैं और आपका शरीर का जो ऊर्जा है वो चला जाता है, और जो कॉन्फिडेंस आप अगर सुबह उठेंगे तो आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस वगैरह रहता है वो सब चला जाता है फ्रेंड्स। तो इसको आप इस तरह से अपने माइंड में लीजिए ताकि जब भी आप मोबाइल ऑन करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका जो मोबाइल के सेटिंग वगैरह है वो आप सबसे पहले ऑन कर देंगे, तो आपको इस तरह से वो आप देख नहीं पाएंगे उसको, और इससे आपका शरीर का जो नुकसान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपके शरीर में हमेशा आपका मन चंचल रहेगा, कुछ ना कुछ करने का मन करेगा फ्रेंड्स, अंधे गंदे ख्याल भी आ सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसको रोकना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप आगे जाकर कुछ कर पाएंगे फ्रेंड्स। मैं यही सब बताना चाहता था। और 14-15 साल में जो कॉन्फिडेंस वगैरह रहता है एक बंदे या फिर बंदी के मन में वो सब चला जाता है फ्रेंड्स, तो आप अगर शरीर का गलत इस्तेमाल करते हैं और आप अंधे गंदे चीज़ें देखते हैं फ्रेंड्स, तो उसको आपको सबसे पहले रोकना पड़ेगा, नहीं तो आपको कहीं पर भी आपको वो खुश नहीं रख सकते हैं, आप अपने आप को कभी खुश नहीं रख सकते हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही लो हो जाएगा। और आपका जब भी 16-17 साल रहता है, उम्र रहता है आपका, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है और आप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, मगर जैसे ही आप 18 से 19 आप साल होता है आपका,
आप उस तरह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है कि जो बंदे होते हैं वो इस तरह की चीज़ें वो देखना पसंद करते हैं, कुछ जानना या फिर सुनना पसंद करते हैं कि उनका जो शरीर है उनका ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है और शरीर का गलत इस्तेमाल बहुत ही बंदे कर लेते हैं। तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस खो देते हैं और वो इस तरह से सोचने लगते हैं कि कुछ कर नहीं पाएंगे, ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको अपना शरीर को ठीक करना पड़ेगा, तो हाई एनर्जी आपको अपने शरीर में लाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। फ्रेंड्स, तो आपको बहुत कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत लड़के इस तरह से गलती कर देते हैं और उनका मन एक बार बहक जाने से वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है और इस तरह से वो लड़के उनका अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो आपको इस तरह से नहीं करना है और आपको जो करना है, आपको अगर काम करते हैं फ्रेंड्स तो काम में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और आपका शरीर का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप अगर पढ़ाई करते हैं फ्रेंड्स तो आपको सबसे पहले पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है मोबाइल फ़ोन पर, क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे फ्रेंड्स तो आपको बहुत सारा नुकसान होगा और इससे बहुत लड़के बर्बाद भी हो जाते हैं और बाद में पछताते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं कि काश मैं ये नहीं किया होता तो इस तरह से अभी मुझे इसका सज़ा मुझे नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आप अपने शरीर का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स तो आपको सबसे पहले बंद करना होगा। और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखने के लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले बहुत दोस्तों से बात करना होगा, उसके बाद में शरीर का गलत इस्तेमाल नहीं करना होगा। आपको गंदे चीज़ देखना होगा। और अगर आप आप कर चुके हैं फ्रेंड्स, इस तरह से आप अगर कर चुके हैं तो फ्रेंड्स आपको कंट्रोल करना चाहिए, आपको अपने मन को काबू करना चाहिए और अपने शरीर को भी काबू अगर रख पाएंगे फ्रेंड्स तो आपका जो आगे चलकर आपका जो लाइफ होगा बहुत ही अच्छा होगा और इससे आप बहुत कुछ कर पाएंगे और अच्छे जॉब वगैरह आप कर सकते हैं। वरना आप अगर एक बार आप गलत रास्ते पर चले गए फ्रेंड्स तो आपको सब कुछ दुनिया में गलत ही दिखाई देगा और इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा फ्रेंड्स। तो आप अगर इस तरह से करते हैं फ्रेंड्स तो आप इसको रोक दीजिए और वरना बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड्स। तो हमारी आज की छोटी सी वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह के चाहते हैं कि नए वीडियो मिलता है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इसको रोकने के लिए फ्रेंड्स आप एक काम कर सकते हैं, फ़ोन ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना होगा और इसके बाद में आपका मोबाइल फ़ोन का जो सेटिंग है उसको आप ऑन कर देंगे। हर दोस्तों से बात करना होगा और अच्छे तरीके से बात करना होगा, अपना कॉन्फिडेंस में चाहिए बनाए रखना चाहिए, तभी आप अच्छे इंसान या फिर अच्छे आदमी बन पाएंगे, वरना आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। आगे चलकर आपका बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड्स। तो आप अगर अपने शरीर का गलत इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको रोकना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हमारी आज की अगर छोटी सी वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिलता रहे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।